इटावा टर्टल लिमिटेड ने विश्व कछुआ दिवस मनाते हुए सैकड़ों लुप्त प्राय कछुओं को चंबल नदी में छोड़ा। प्रमुख मेंस वियर ब्रांड टर्टल लिमिटेड ने टर्टल सर्वाइवर अलायंस TSA के साथ साझेदारी में विश्व कछुआ दिवस मनाते हुए गंभीर रूप से प्रलुप्त हो रहे रेंज ग्राउंड रूफर्ड टर्टल, पटागोर कछुआ और थ्री इस टाइफर्ड रूफर्ड टर्टल तीन धारियों वाला रूफर्ड कछुए के सैकड़ों हैचलिंग अंडों से निकले बच्चों को चंबल नदी में छोड़ा गया। विश्व टर्टल कछुआ दिवस पूरे विश्व में 23 मई को मनाया जाता है। इस अवसर पर टर्टल लिमिटेड और TSA के बीच एक समझौता MOU भी साइन किया गया। TSA एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संगठन है जो साफ पानी वाले कछुओं को विलुप्त होने से बचाता है। भारत और दुनिया भर में साफ पानी के कछुओं की आबादी बहुत तेजी से कम हो रही है, जिसमें कोलकाता स्थित परिधान ब्रांड टर्टल को इटावा के चंबल में कछुआ संरक्षण परियोजना में भाग लेने और इसे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयास के एक हिस्से के रूप में लेने के लिए प्रेरित किया। टर्टल लिमिटेड की ओर से हेड मार्केटिंग सुश्री नरेंद्र कौर और TSA की ओर से देश में कछुआ संरक्षण के अग्रणी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर के दौरान उपस्थित रहे। टर्टल लिमिटेड के ब्रांड मैनेजर श्री रूपम देव ने दुर्लभ हैचलिंग को नदी में छोड़े जाने के अवसर पर कहा, हम लोग पृथ्वी और समाज की स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसे प्रतिबद्ध ढांचे के एक हिस्से के रूप में कछुआ संरक्षण और आसपास के वनस्पतियों और जीवों की संरक्षण से संबंधित गतिविधियों ब्रांड टर्टल लिमिटेड के प्रतिनिधि के रूप में हम इसे समाज और पर्यावरण को वापस देने के लिए इसे ये जो है ये हमारा नीड संरक्षण का कार्यक्रम है, जिसमें दो प्रकार के कछुए हैं, एक आपका रेड ब्राउन रूफ टर्टल जिसको साल बोला जाता है और एक इस टाइप रूफ टर्टल जिसको कीपुर बोला जाता है। तो इसका संरक्षण कार्य किया जाता है उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ। और अभी जैसे कि हम आप सब जानते हैं नेशनल कंजर्वेशन में समय हम हैं और ये इटावा डिवीजन के रेंजर साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो इनके साथ मिलकर हम यहाँ पे ये नीड संरक्षण कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम हर साल तकरीबन 300 नेस्ट जो होते हैं जो नीड हैं इन दोनों प्रजातियों के बचाए जाते हैं और इनको इस एक रिवर साइड हैचरी जो बनाई जाती है, जो कि आप लोग ने अभी यहाँ पे देखी, यहाँ पे इन पक्षियों पे जो 300 नेस्ट होते हैं तकरीबन इनको लाया जाता है। फिर और एक विभाग और हमारी एक टीम जो है यहाँ पे 24 घंटे इनके साथ यहाँ पे इनका प्रोटेक्शन करती है, देखती है। और समय के साथ क्या होता है कि ये एक एक करके जो होते हैं ये बच्चे कछुओं के जो बच्चे हैं ये अपने अपने नेस्ट से निकलते हैं और हर दिन जितने भी हैचिंग होता है उसको हर दिन जो किया जाता है, जैसे कि आज हमें तकरीबन 300 कछुए जो है चंबल नदी में, ये लगभग ये प्रोग्राम जो होता है जो संरक्षण कार्यक्रम होता है हर साल फरवरी में शुरू होता है, जिससे कि पहले नेस्ट को ढूंढा जाता है, उनको यहाँ लाके एस्टीमेट रखा जाता है। तकरीबन 60 से 70 दिन लगते हैं इन अंडों को हैच होने में और उसके बाद कुछ कुछ करके जैसे जैसे निकलते हैं तो हर दिन 300 से 350 कछुए इस नदी में छोड़ते हैं। इस प्रकार का जो जीव होता है जब भी अंडे से बच्चे निकलते हैं तो एक बात हम करते हैं सर्वाइवल की, कितने बच्चे बचते हैं। नेचर में भी क्या होता है कि सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, तो ऐसा नहीं है कि सब बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। और आप अगर बात करें तो एक नेचुरल नदी में बाढ़ आती है, जब ये खुद से भी अंडे जाते हैं खुद से भी आती हैं, तो ये एक तरह से इनका एक नेचुरल सिस्टम है जिसके तहत वो जानते हैं कि उनको किस क्षेत्रों में जाना है, कहाँ पर छुपना है। तो ऐसा नहीं है कि सब ख़त्म हो जाते हैं, तो इस तरह से उनका ये है कि जो हमने कुछ स्टडीज करी हैं काफ़ी सर्वाइवल इनका देखिए। ये इनका टर्टल सर्वाइवल लाइन्स का यहाँ पर एक नीड प्रोग्राम चलता है, यहाँ पर इन्होंने कई अभी पिछले एक दो महीने से यहाँ पर टर्टल्स के जो है एक्सम इकट्ठे कर रहे थे और आज इन्होंने यहाँ पे लगभग लगभग 300 कछुओं के बच्चे यहाँ पर छोड़े हैं। पटागो स्पीसीज का कछुआ है जो यहाँ पर छोड़ा गया है, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर ला करके उनका पर्यावरण का महत्व और जो रिवर का कंजर्वेशन जो इको सिस्टम है रिवर का उसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, हम यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है इसको प्रमोट करने आए हैं क्योंकि मैं चूँकि यहाँ पे एक नगर पालिका ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ का, तो मुझे भी आज
जैसे धरती पे जो गिद्ध प्रजाति है वो हमारे सड़े गले मांस को खा करके पर्यावरण को वातावरण को शुद्ध करती है, वैसे ही धरती पे जो